ट्राई कीजिए इस विंटर सीजन में यह हेल्दी रेसिपी। वेलकम टू माय चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशली विंटर सीजन के लिए उड़द दाल का हलवा। तो चलिए बनाते हैं उड़द दाल का हलवा। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। इसके लिए लगने वाली सामग्री उड़द दाल 1 कप, इसे भिगो कर लेना है, 1.5 कप दूध, चीनी 1/2 कप, प्योर घी 100 ग्राम, काजू 7 से 8, बादाम 7 से 8, पिस्ता 7 से 8 और 15 से 20 किशमिश। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से क्लीन पानी से धो लेते हैं और इसका पूरा पानी निकाल लेते हैं। दाल को मैंने रात में भिगोने के लिए रख दिया था। देखिए दाल अच्छे से क्लीन कर ली है मैंने और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए दाल को मैंने पीस दिया है। दाल को मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है, अगर आपको इसे थोड़ा बारीक करना हो तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं। और बस मैं अब इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। गैस ऑन कर देना है हमें और गैस पे पैन रख देना है और पैन में अब हम घी ऐड कर देते हैं। घी की मात्रा अगर आपको थोड़ी सी बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं। और बस अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम कर देती हूँ और इसमें पीसी हुई दाल ऐड कर देती हूँ। और इस हलवे की रेसिपी को बनाने के लिए हमें नॉनस्टिक पैन का ही यूज करना है, नहीं तो ये दूसरे कोई भी बर्तन में नीचे चिपक जाती है। और बस अब हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए और इससे अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू ना आ जाए। ये देखिए घी जो है वो अपने आप ही दाल में अब्सॉर्ब होने लगता है। ये देखिए दाल का कलर जो है वो चेंज हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस हमारी दाल अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें मिल्क यानी कि दूध ऐड कर देती हूँ। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है यानी कि मलई के साथ ही मिल्क लिया है। थोड़ा सा चला लेती हूँ इसको और इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अब हमें चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद हो तो और चीनी ऐड करें। और बस मैं अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। पिस्ता, काजू, बादाम और किशमिश लिए है मैंने। इसमें से अगर कोई आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो तो इसे निकाल भी सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाले तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। इस विंटर सीजन में अगर आप इस रेसिपी को बनाइए तो बहुत ही हेल्दी होता है ये। और बस अब हम इसे 5 मिनट तक और चला लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट तक और पकने दिया है मैंने इस हलवे को। और बस अब गैस बंद कर देती हूँ और एक बाउल में निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। इस विंटर सीजन में आप इस रेसिपी को घर पे जरूर बनाइए। ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो इस रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के भेजिए। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिख के भेजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।